दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। हम प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित विभिन्न वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संवेदनशील कविता आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यह कविता काफी वायरल भी हो रही है, जिसमें समाज में हो रहे शोषण का एक रूप प्रस्तुत किया गया है। यह शोषण केवल दलित वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपर कास्ट में भी ऐसे लोग हैं जो भेदभाव और शोषण का शिकार है। शोषण किसी के साथ भी है, वह अच्छा नहीं है। इस कविता को आपके साथ शेयर करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम सब विचार करें और एक ऐसे शोषण विहीन समाज का निर्माण करें जो आदमी को आदमी के रूप में देखता है, जो मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाता है, जहां पर धर्म जाति के भेदभाव केवल पहचान के लिए ही होते हैं, शोषण के लिए नहीं, जहां पर आपसी प्रेम और भाईचारा और बंधुत्व कायम रहे, जहां पर पिछड़े का दर्द भी हम महसूस कर पाए। यह कविता राजनीति के विद्रूप सच को इंगित करती है। यह कविता समाज में हो रहे शोषण को इंगित करती है। यहाँ तक कि यह कविता आधुनिक युग के लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह अंकित करती है। उन घिनौने नेताओं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए वोट की राजनीति करते हैं, उन पर भी यह प्रहार करती है। दोस्तों, हमारा इस कविता को अपलोड करने का उद्देश्य यह है कि समाज में जो शोषक वर्ग है, जो शोषक मानसिकता के लोग हैं, वे इससे सीख लें और अपने आप को बदलें। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए यह अत्यंत आवश्यक और एक सभ्य समाज की स्थापना के लिए भी। इस कविता का शीर्षक भी काफी आकर्षक लगा मुझे और कविता भी। कविता लिखी है बच्चा लाल उन्मेष ने, जो कि कवि और शिक्षक है। कविता का शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। जी हाँ, छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। मैं संजय कुमार गुप्त आपके समक्ष उन्मेष जी की यह कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको यह कविता पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। कौन जात हो भाई? दलित है साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। कौन जात हो भाई? दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई? जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई? जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई? जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई? जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई? जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादी मिली है। मिली है ना साहब,
पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा बादी मिले मिलती है ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया है, पसीने से तर सुबह को शाम किया है, और आते जाते ठाकरों को सलाम किया है साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया है, पसीने से तर सुबह को शाम किया है, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया है साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। तो दोस्तों यह थी वह संवेदनशील कविता जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर यह कविता आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही मैं पूरी विनम्रता पूर्वक इस कविता के लेखक को, कवि को धन्यवाद देता हूं इस कविता के लिए, और अपेक्षा करता हूं कि लोग समझेंगे इस व्यथा को और अपने अपने में बदलाव करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।